नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है फेमस फिल्म स्टार सनी देओल की। नमस्कार। सनी नाम कैसे पड़ गया, नाम क्या है आपका वैसे? अभय सिंह? नहीं, नाम तो मेरा सनी ही है क्योंकि बीजी बॉजी ने रखा था जब मैं छोटा था, पैदा हुआ था तो बचपन से सनी सनी कहते थे। जब स्कूल जाना हुआ तब उन्होंने फिर नाम रखा, उस वक्त मेरा नाम रख दिया था फिर अजय सिंह देओल। पासपोर्ट में तो वही होगा ना, अजय सिंह। अजय सिंह तो वहां तो सनी पकड़ लेंगे कि किसी और नाम लिख दो। जो सिंह साहब द ग्रेट है, इसमें ऐसा कैसा क्या लगा आपको? एक मेरे को खूबी बताएंगे इस फिल्म की जो लगा कि आपने एकदम फिल्म एक्सेप्ट की, क्योंकि एक्टर नॉर्मली स्क्रिप्ट पढ़ता है फिर कैरेक्टर पढ़ता है तब एक्सेप्ट करता है। नहीं, मैं अक्सर हर चीज़ जो भी करता हूँ मेरी स्पॉन्टेनियसली करता हूँ। मुझे कोई कहानी सुना दे, मुझे कहानी का सुर अच्छा लगा, कहानी सुनते सुनते अच्छी लगी कहानी, मैं कह देता हूँ भाई अच्छी लग रही है, मैं ये ज़रूर करूँगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। गदर की तरह इसमें वो भी उस तरह की लगाव है फिल्म में, जैसे गदर में आपका कैरेक्टर देख के लोग रुक जाते थे। नहीं, इसमें भी वही है, इसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही तकड़ी इमोशंस है इसमें। और आज का जो माहौल है उसको देखते हुए किस तरह, आई मीन जैसे हमारा टाइटल भी हमारा यही कहता है, जो हमारी कैप्शन है कि बदला नहीं, हमें बदलाव करना है, क्योंकि अक्सर हम बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये कहते हैं हम लोग कि बदला लेने से एक अगर आप एक बुरे आदमी को मार भी दोगे तो दूसरा आदमी आ जाएगा, अगर आप उसको बदल दोगे तो सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द बदलेंगी और बदलाव आएगा। पर इस फिल्म में मैंने देखा कि आपका देओल परिवार भी जैसे है, आप हैं पर्टिकुलरली, आप भी एक मेल डोमिनेटेड फिल्म बनाने की कोशिश करती हैं, लड़कियां उसके अंदर जो हैं उनका रोल कुछ माइनर सा हो जाता है, तो इस नाम से भी ये मेल ओरिएंटेड नाम है, और उसके बाद लगता कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करना, फिल्म के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना, ये एक नई फार्मूला सक्सेस का है क्या? नहीं, मैं तो वैसे नहीं करता। मैं तो कहानी के साथ चलता हूँ और जब भी करता हूँ, जो भी फिल्म होती है कहानी के साथ चलती है, इस कहानी में जो मेरा कैरेक्टर करेगा कहेगा वही मैं करता हूँ, उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए जैसे एक फिल्म दामनी भी थी, उसमें भी मैं तो मेन रोल नहीं था उसमें, मेरा तो सिर्फ कैरेक्टर थी। नहीं तो फिर मीन्स अभी एक्सेप्शन, तो मैं 10,000 एक्सेप्शन बनाने जाऊंगा तो फिर आप फिर बोलोगे आप तो एक्सेप्शनल टाइप के आदमी हैं, आप ये बनते हैं। तो बात ये है, आप कह रहे हैं कि हम लोग डोमिनेटेड हीरो डोमिनेटेड फिल्म क्यों करते हैं, आप ये कह रहे हैं। जब मैं हीरोइन होता तो मैं हीरोइन डोमिनेटेड करता, ये मेरा हमारा जेंडर चेंज आपको फिल्म इंडस्ट्री में वो आदत पड़ रही है लोगों की लगता है। पर मैं आपकी फिल्म की तरफ जो आता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपने अमृता राव जैसी लड़की जो पहले एक फिल्म में अच्छी रही शाहरुख खान के साथ, उसने सक्सेसफुल फिल्म की, पर वो गायब हो गई थी सडनली। इस फिल्म के अंदर मैंने देखा कि उसका रोल भी आपके मुकाबले में कम ही होगा, क्योंकि नाम क्योंकि आपके ऊपर है। तो दोनों में अब कहूँ कि एक तो उम्र, अब हमारे यहाँ फैशन हो गया ना, जितने जवान होते जाते हैं फिल्म एक्टर उससे ज़्यादा बुरी लड़कियों से शूटिंग कराते हैं, यानी कि आधी उम्र की लड़कियों के साथ रखते हैं, तो इससे लगता है कि अपनी उम्र की लड़कियों के साथ क्या कैरेक्टर बन सकते फिल्म में? कहीं एक्टर की उम्र का असली उम्र से लेन देन कुछ नहीं होता, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अभी जो वो कैरेक्टर बूढ़ा है तो बूढ़ा प्ले करेंगे, अगर वो कैरेक्टर यंग है और लगता है हम उस यंग एज तक आ सकते हैं तो हम वो करेंगे। लड़कियों का भी यही होता है, जिस तरह से उनकी तालमेल होती है उस हिसाब से हम कैरेक्टर्स, लड़की भी उसी ढंग से करती है। ये नहीं होता कि हम जानबूझ के यंग लड़की ही लेंगे ताकि अच्छा लगे, वो बात नहीं होती। और ये जो डिसीजन जितनी भी होती हैं मैंने कभी नहीं किए हैं, ये अक्सर हमेशा डायरेक्टर करता है या प्रोड्यूसर करता है। हम एक्टर हैं, मैं कभी ये भी नहीं कहूंगा इसको क्यों लिया। आप भी हैं, आप एक्टर भी हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वैसे सब के वैसे, वैसे फिल्मों में भी जो भी होता है हम उसी हिसाब से करते हैं जो चाहिए इस फिल्म के लिए। हम ये नहीं कहते कि चलो यार ये रियल लाइफ में ये इतने साल की है और तुम इतने साल के हो, क्या करें। अक्सर जब भी आपने देखा है जो भी उम्र तो बढ़ती रहती है, और यंग आदमी भी ओल्ड एज की एक्टिंग करता है, उस वक्त हम ये नहीं कहते, बोलते हैं क्या बात है यार, यंग आदमी बूढ़े आदमी की रोल कर रहा है, क्या बात कर रहा है यार, उधर हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये ताना जरूर मारेंगे अगर आदमी थोड़ा सा ओल्ड है और यंग लड़की से, अरे वो उसके साथ क्यों कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो एक्चुअल जो जब लोग ऐसी बातें करते हैं एक कॉम्प्लेक्स की बात होती है। देखिए मार्केट बेसिकली, अगर मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट फिल्म इंडस्ट्री वही फिल्म बनाती है जो जनता देखना चाहती है, उनको लगता है जो माहौल है उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्योंकि इतने दिनों बाद आ पाए,
इसके कारण क्या है कि ढाई किलो के आसे तो लोग नहीं डरते आपके? नहीं, बात ये नहीं है, मैंने की है फिल्में पीछे, पर सोलो फिल्म मेरी कपिल को देखा वीडियो भी चढ़ गया था आपसे सवाल पूछने से। नहीं, वो एक इमेज सा बन गया है, पापा से शुरू हुआ है, वो पूरे फैमिली तक चलता आ रहा है, और फिर फिल्में भी कुछ इस ढंग की हैं, और उसके अलावा भी हम हिल्स एंड वैली के थ्रू जाते हैं ना, आप कभी गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। नहीं, वो तो चलता ही रहता है, बिकॉज मैं जैसे कहता भी हूँ कि मेरी, मैं अपनी लाइफ एक स्पोर्ट्समैन की तरह जीता हूँ, कभी आप जीतते हो कभी हारते हो, कभी यहाँ हो कभी प्रैक्टिस कर रहे हो कभी मैच खेल रहे हो, तो उसी हिसाब से फिल्म भी चलती है, कोई चल रही है कोई नहीं चल रही, फिर आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, कभी तबीयत खराब हो जाती है तो उसी वजह से आप पीछे रह जाते थोड़ी दिन महीनों के लिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, फिल्म नहीं कर पाते। परिवार जैसे आप, कई बार ऐसा नहीं होता कि बच्चों के ऊपर फादर से लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर अक्सर पड़ जाता है, आपके ऊपर ऐसा कुछ लगता है कि धर्मेंद्र जी इतने बड़े एक्टर्स, मतलब हमारे हिंदुस्तान के आइकॉन हैं, भारत रत्न कसम की चीज़ है वो, तो लगता नहीं कई बार आपको कॉम्प्लेक्स होता होगा कि लोग कंपेयर करते होंगे कि ये धर्म जी के साथ क्या, इस तरह कई बार होता है कि नहीं होता, जैसे फैमिली में होता है कि बेटा कई बार बिजनेस चलाता है कई बार चला पाता है? ऐसा कभी हम सोचते ही नहीं, हमारे थॉट्स भी नहीं हमें वैसे आते, क्योंकि पापा पापा है, मैं हूँ, तो वो कभी हो ही नहीं सकता हमारे परिवार में, तो कभी नहीं हो सकता, हम उस ढंग से सोचते ही नहीं है, ना पापा ना मैं। और एज ए बेटा तो मुझे हमेशा इतना मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं पापा को देखता हूँ कि जो भी फिल्में होती हैं और जितनी उनकी सक्सेस है, हमें इंजॉय करते हैं, हमें ये नहीं लगता कि पापा मैं वो वैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पापा पापा है, मैं वो बन नहीं सकता, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे उस आइडेंटिटी के साथ जाना है, और वो आपके काम से ही होता है। तो जब आदमी उस ढंग से रहे तो आदमी के विचार, आदमी की थॉट्स, जो भी चीज़ें हैं सही रहती हैं, और हमें वो चीज़ें कम फिल्में क्यों आते हैं आप? जैसे एकदम सक्सेस एक के बाद एक तो होती थी उनकी, साल में तीन तीन चार चार फिल्म आ जाती। हाँ, बस क्या हो जाता है कभी कभी आपको फिल्में नहीं, सही सब्जेक्ट्स नहीं मिलते, और जैसे फिलहाल पीछे कई सालों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही है, एंड डेफिनेटली एक चेंजेस आई हैं, तो सोलो फिल्में मैंने इतनी नहीं की हैं, फैमिली के साथ तीन फिल्में कर चुका हूँ उस दौरान, हाँ, और एक फिल्म थी जहाँ इरफान थे मेरे साथ, वो फिल्म थी राइट या रॉक, वो की थी मैंने, तो हैं ऐसी ढेर सारी फिल्में की हैं, बट ऐसे सोलो फिल्म कई साल के बाद यही है मेरी। पर ये नहीं फिल्म, वो तो बात ठीक है, जैसे आपका फैमिली फिल्में तीन एक के बाद एक आ गई, पर अब लगता नहीं कि फिल्म जैसे बाकी जगह होता है इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में है, फिल्म में भी एक परिवारवाद शुरू है, परिवार अपने अपने, जैसे कपूर परिवार है, खान परिवार है, आप अगर आप रोशन साहब को देख लीजिए या बच्चन साहब को देखिए, ये इंडस्ट्री के अंदर क्या लगता है बेटे जो हैं उनके अलावा कुछ करने के लिए तैयार नहीं, या यही लगता है आसान काम है कि परिवार का एक बिजनेस है उसी को फॉलो करो? मैं इसको बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक कला है पर बिजनेस है अल्टीमेटली। तो मुझे पता नहीं है ट्रेंड है या क्या है, हर आदमी का अपना अपना तरीका होगा, हम मैं उस ढंग से कभी इसको सोचता भी नहीं हूँ, बिकॉज दिन पे दिन हम लोग ये नहीं सोचते कि ये करें या ऐसे करें, ट्रेंड बनाएं या हम फैमिलीज इकट्ठी करके ये होना चाहिए होना, इन चीज़ों की तरफ कभी उन्हें गौर ही नहीं किया ना मैं करूँगा। नहीं, आप फैक्ट्स दे रहे हैं, वो हो रहा होगा, ऐसे तो कितने फैक्ट्स हैं दुनिया में जो हो रहे हैं, तो उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता ना मैं कुछ कह सकता हूँ, बस मैं जो हूँ मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, दूसरे के बारे में नहीं है। लोगों का जो अखबार में पढ़ता हूँ, मैं फिल्म जर्नलिस्ट नहीं हूँ इसलिए मेरी नॉलेज फिल्म के बारे में बहुत कम है, पर मैं जो पढ़ता हूँ उसके बेसिस कह रहा हूँ कि ग्रुपवादी तो है वहाँ, एक पर ग्रुप है शाहरुख खान का, एक बच्चन साहब का ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये ग्रुपवादी तो है वहाँ पर, परिवार को छोड़ दीजिए, ये फिल्म में ग्रुपवादी क्यों होती है? ये आप किसी ग्रुप में नहीं है ये तो पता है। हाँ, तो फिर मुझे पता नहीं क्यों होती है। अगर मैं कर रहा होता तो अगर मैं कर रहा होता ग्रुपबाजी तो मैं बता सकता हूँ ग्रुपबाजी है कि नहीं है। देखिए, हर आदमी का अपने अपने है जहाँ कंफर्ट जोन है, उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बनाया, किसी ने कहाँ बनाया, किसी ने कहाँ बनाया, हम लोगों को हमने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि हमें कहीं जाना है या कुछ कोई एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी या कुछ नहीं है, हम उन चीजों में मानते नहीं है। पर एक बात, जैसे आपने कहा कि एक्शन रोल करते रहते हैं फैमिली के, एक्शन ज़्यादा करते हैं, बाकी जो लोग हैं आपने अपना बदलाव भी किया, डायरेक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बनने की कोशिश की, तो आपने अपना कैरेक्टर चेंज के विलेन बनने के, तो दूसरा नेगेटिव रोल जैसे अभी आमिर भी कर रहे हैं कि ये फिल्म के अंदर, तो आपने नहीं सोचा कि आप हटके बात करें? आमिर अभी कर रहा है ना? हाँ, आमिर अभी कर रहा है, इतने साल नहीं किया आपके, इतने साल नहीं किया ना? नहीं, आपने छोटा है इसलिए कर रहे हैं। कितने साल छोटा है? कितने साल छोटा होगा? छोटा होगा। हाँ, तो फिर इतना तो फिर क्या, देखिए एक तो अगर मुझे कोई विलेन का रोल दे तो मैं जरूर करूंगा, अगर किसी ने मुझे दिया ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा। प्रोडक्शन ये सब काम किया आपने, ये जो क्योंकि हर बार होता है कि एवोल्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है,
एक्टर शुरू करता है एक्टिंग से, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बनता है, फिर उसका डायरेक्टर बनता है, फिर उसके बाद कैरेक्टर एक्टर बनता है। तो एवोल्यूशन मैं सनी का देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नोटिस में आ नहीं रहा है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से कर रहे हैं, पूछूंगा ब्रेक के बाद आपसे। ओके तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सनी देओल से। मैं आपसे सवाल पूछा था कि आपका इमेज मेकओवर जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो अपने आप को बदलने की कोशिश, मैंने बदलने की कोशिश की, प्रिंट जर्नलिस्ट से टीवी में आए, टीवी से मैगजीन से, मतलब अपने आप को जैसे आप एक्टिव रख रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि किस तरह का एवोल्यूशन आप देखते हैं अपना सिंगल रोलों के अलावा? देखिए मैं एक जैसे आप कह रहे हैं एक जर्नी है, मैं ये नहीं सोच रहा कि आगे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलता जा रहा हूँ, जहाँ जो चीजें आएंगी वो मिशन नहीं है आपका। मेरा कोई मिशन नहीं है, मेरा मिशन है एक एक्टर हूँ, एक्टर रहना है, कलाकार हूँ बस, वही जैसे जो जो अच्छे अच्छे रोल्स आएंगे करता जाऊंगा, और जब जहाँ कहेगा कि ये नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे, जहाँ तक होगा करते जाएंगे। मतलब आपने सोचा नहीं कि आपने क्या करना है, आपको क्या बनना है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? रोल मॉडल कौन है, पृथ्वीराज कपूर हैं या पापा हैं? मेरे रोल मॉडल तो पापा ही हैं। मैं हमेशा सिर्फ पापा को ही माना है और उनकी पिक्चर ही देखता रहा हूं, और जब पापा है, मेरे पापा हैं धर्मेंद्र, तो उससे बढ़कर मेरे पास और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आई एम द लकी वन। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि परिवार के अंदर जब आप करते, जैसे आपको फिल्म का एक नया तरीका आ गया, मैं बिजनेस साइड के ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपने कहा शुरू में जब बैठ रहे थे कि प्रमोशन करनी पड़ती है फिल्म की, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप लोग प्रमोशन विश्वास नहीं करते थे क्योंकि आपका नाम और आपकी एक्टिंग के नाम से फिल्म चल जाती थी। नहीं, बात ये नहीं है, वो पहला मार्केटिंग वो जमाना था, एक जमाना था जब इतने इंटरव्यूज नहीं होते थे और इतने टेलीविजन जर्नलिस्ट नहीं थे, इतने चैनल्स नहीं थे, इतने मोबाइल सेल फोन, ये जो टेक्नोलॉजी आई है उसी हिसाब से पूरा देश बदल गया है। हर लोगों के सोचने के विचार, हर चीज इतनी फास्ट हो गई है, आज देखा कल भूल गए, पर आज देखा कल भूल गए कोई बात रहती नहीं है। तो इन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, जब आपकी फिल्म आ रही हो उस वक्त आपको हर जगह पहुंचना ज़रूरी है, ताकि उस दिन के लिए या उस हफ्ते के लिए जनता को पता चलेगा कि ये फिल्म आ रही है और वो देखने जाएंगे। फिल्म तो आजकल इंस्टेंट कॉफी की तरह होगी ना, चार दिन में चलती है, उसके बाद लाइफ ही ऐसी होगी, इंस्टेंट कॉफी। पहले तो सिल्वर जुबली सुनते थे हम, गोल्डन जुबली सुनते थे, अभी चार दिन के अंदर गोल्डन जुबली हो जाती है। नहीं, बिकॉज क्या रीच उतनी हो गई है ना, पहले हम नहीं सिनेमाज नहीं रीच वैसे हो गई है, पहले हमारा होता था एक सेक्टर चलती थी, फिर वही प्रिंट आगे जाते थे, फिर वो आगे जाते थे, फिर आगे जाते, वैसे करते करते पूरे देश में घूमते थे। अब एक ही दिन पूरे देश में लग जाती है फिल्म, तो वो उसका फिर चलने का इसलिए आजकल तो कलेक्शन के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है ना, एक्टिंग के ऊपर ज्यादा नहीं डिपेंड करती। वो एक अनफॉर्चुनेट थिंग है कि आजकल जो भी चलता है, एक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसकी वजह से लोग चल रहे हैं और जिसकी वजह से कितनी चीजें हो भी रही हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं पूरे चारों तरफ। इसको लाइक करते हैं जी, सब तो करते हैं, लाइक करना, लाइक जाके कॉमेडी शो में जाना, ये प्रमोशन करने के लिए फिल्म की। मैं पहले लाइक नहीं करता था, अब लाइक करता हूँ, अभी एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं हमेशा चिड़चिड़ा सा लगूंगा, बात अच्छी नहीं होगी। तो यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। प्रमोशन जो आपने कहा डांस करना चाहिए, प्रमोट करना, तो वही मैं कह रहा हूं ना, आपको पसंद नहीं आता था पहले। मैं कह रहा हूं कि मैं टेलीविजन पसंद नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि पसंद नहीं था, लेकिन अभी मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्योंकि पैसा कमाना है ना। पैसा नहीं, मैं जो मेहनत की है, जो पिक्चर की है, जो बनाई है, वो जनता देखने जाए, वो अच्छी है तो चलेगी, ये नहीं कि मैं ढंडोरा पीटूं और जाके लोग ऐसे जाएंगे। अगर आप ढंडोरा पीट रहा हूं ताकि वो सिनेमा तक आए, सिनेमा तक आए, मैं उससे ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ, सिनेमा तक आए, पसंद करें, क्योंकि आपके जैसे और कितने जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने पिक्चर देखी, ओ जी इस पिक्चर का तो बकवास है, उसको ये नहीं आता फलानी आता। हम लोगों ने खर्चे किए होते हैं 50-60-70 करोड़, 100 दिन से ऊपर हर आदमी अपनी मेहनत करता है, हर आदमी की जान लगी होती है उस पिक्चर में, हर आदमी चाहता है कि अच्छी पिक्चर बनाए, लेकिन आदमी पढ़ के बोल देगा ओ जी उसमें ये नहीं है वो नहीं है। और हमारी जो जनता है बेचारी, हमारे पढ़ने के बाद लगता है आपको हमारी जो जनता है, जनता को असर पड़ता है, जनता जो वहां पर है, जितनी भी हमारी जनता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस जनता है, बिकॉज ऑफ ऑल दी थिंग अवेलेबल टू देम, वो एक भेड़चाल की तरह चलती है ज्यादातर के, कीपिंग दैट इन माइंड। तो आज के जमाने में पीआर करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता आपकी फिल्म आ रही है। नहीं, मैं उस बात पे नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि 1983 में फिल्म जब बनती थी उस वक्त हम लोग नहीं करते थे पीआर, तो एक पॉइंट है पीआर का, दूसरे और भी नेचर ऑफ फिल्म,
एक्टिंग नेचर ऑफ कंटेंट उसकी बात नेचर ऑफ फिल्म डजंट चेंज मच. कहानियां बेसिकली वही होती हैं, इमोशंस वही होते हैं, उनके बोलने के और कहने के अंदाज बदल जाते हैं. प्यार तो वही होता है, प्यार तो वही होता है. पहले शर्मा के प्यार से म्यूजिक था पहले. अभी नहीं, म्यूजिक जैसे वही कह रहा हूँ ना, उस वक्त जो म्यूजिक था आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, कुछ और लोगों को, आज भी लोग उसको हम करेंगे, लेकिन आज के गाने हम नहीं हम कर सकते. नहीं, आज के गाने जो पुराने गाने हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें बदल रही हैं. पुराने गाने जो हैं अभी भी यंग लोग गाते हैं, मैंने देखा है. और आजकल के गाने दो चार महीने बाद भूल जाते हैं. नहीं, क्योंकि फास्ट फूड की आदत हो गई है ना हमें. वो बदलते रहो, बदलते रहो. आजकल कोई आप अभी देख लीजिए, कोई भी आपके पास नई चीज आएगी आप नहीं खरीदना चाहोगे. बच्चा चाहेगा मुझे ये नहीं चाहिए, पुराना हो गया, क्योंकि कल एक नई चीज आ गई है. तो हमारा हम लोगों का टेस्ट ऐसा हो गया, हर चीज उनको. फिल्म आजकल की फिल्में जो हैं इंस्टेंट है, आज चली दो चार चली उसके बाद भूल जाओ लोग. वो दया दौर या उस तरह की फिल्में जो आती थी, उस तरह की फिल्मों का जमाना नहीं रहा. नहीं, जमाना नहीं रहा, और ना उस ढंग का टैलेंट है, ना उस ढंग की फिल्में बन भी रही हैं. उस ढंग की टैलेंट नहीं है हमारे यहाँ, उस ढंग की फिल्में हम बना भी नहीं रहे हैं. अगर वैसा टैलेंटेड राइटर नहीं है जो ऐसी कहानी लेकर आए, वैसा डायरेक्टर नहीं है जो ऐसी टैलेंट के बारे में, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोचे, तो कैसे बनेगी. तो आपका मिशन क्या आगे का? मेरा आपने पहले कहा कि मेरा कोई मिशन, मेरा मिशन बस अपना जो एक्टिंग जो फिल्म आती रहेगी वो करता रहूंगा. हां, और फिर आप ग्रेट बन, फिर आपके पास आना है और आप मुझे बोलेंगे मैं ग्रेट हूँ तो ग्रेट बन जाता हूँ. अगर आप अगर तुम कहोगे मैं ग्रेट नहीं हूँ तो किसी ग्रेट बिल्कुल मान ना 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 मेरा हाथ ना मत रखे, ख्याल रखना मेरा, कि तुम नहीं होता इतनी जरूरत नहीं पड़ती. थैंक यू. तो ये थी आज की तीखी बात. तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार.